नवरात्रि के शुभ अवसर पर सपोर्ट वेपन्स ट्रेनिंग स्कूल ITVP के सौजन्य से पवित्र कल्पवृक्ष के पौधे को श्री बगीचा सरकार मंदिर के प्रांगण में परम श्रद्धे स्वामी रुद्र चेतनपुरी महाराज, महंत राजेंद्र गिरी महाराज व APS निम्बांडिया उप महानिरीक्षक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल की कर कमलू के द्वारा करेरा वासियों की सुख समृद्धि के लिए रोपित किया गया। इस शुभ अवसर पर निम्बांडिया के द्वारा कल्पवृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से निकले 14 रत्नों में से ये एक रत्न है, जिसको देवराज इंद्र के द्वारा हिमालय में स्थापित किया गया है। भारतवर्ष में सबसे प्राचीन कल्पवृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रोपित है, जिसकी कार्बन डेटिंग से निकली आयु लगभग 5000 वर्ष है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कल्पवृक्ष की सिद्धता को स्वीकार किया जा चुका है। ये वृक्ष आध्यात्मिक पवित्रता के साथ औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके अंदर संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी और गाय के दूध से 2 गुना ज्यादा कैल्शियम विद्यमान है। साथ ही 8 अमीनो एसिड में से 6 अमीनो एसिड इस वृक्ष में पाए जाते हैं। ये वृक्ष ही नहीं, अपने आप में संपूर्ण जीवन है। संस्थान श्री बगीचा सरकार के समस्त गुणों का आभार व्यक्त करता है, जिससे सभी जन को इस कल्प वृक्ष का लाभ मिल सके। जो कल्प वृक्ष का वृक्ष लगाया, इसके साथ क्या महत्व है, इसके लगाने से क्या फायदे हैं? कल्प वृक्ष जो है, महंत जी की आज्ञा हो तो मैं 2 शब्द बोलूँ। बिल्कुल बोला। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, जिसको हम समुद्र मंथन भी कहते हैं, तो उसमें 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी था। तो पद्म पुराण में इसका काफ़ी विस्तार से उल्लेख किया गया है। जब ये कल्प वृक्ष निकला तो सहमति से सभी ने भगवान देवराज इंद्र को ये कल्प वृक्ष दे दिया कि आप इसको लगाइए, और इंद्रदेव ने उस कल्प वृक्ष को हिमालय में एक जगह है जिसको शास्त्रों में सुखावन के नाम से कहा जाता है, वहाँ पर इसको लगाया। साथ ही साथ जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो फ्रांस के एक बॉटनिस्ट थे जो इस पर काफ़ी रिसर्च किया, उनका नाम था ओडी कास्ट्रो, तो उन्हीं के नाम से बॉटनिकल नेम भी इसी हिसाब से लगा गया है। और कल्प वृक्ष जो है हिंदुस्तान में नहीं, ये इटली में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह मिलता है, इवन अफ्रीका में भी मिलता है। सेनेगल में उन्होंने रिसर्च किया था इसके ऊपर। और ये कल्प वृक्ष की जो खासियत वो ये कि पीपल के पेड़ की तरह ये फैलता है, पीपल के पेड़ के तरह इसके गुण हैं, लेकिन पत्ते इसके आम के जैसे हैं। दूसरा क्या है कि अब जैसे हमारी धार्मिक मान्यताओं में किसी भी चीज़ का जब वर्णन होता है तो हम उसको धार्मिक चीज़ों में तो लेके जाते हैं, लेकिन उसका यदि पीछे जाएं तो उसका बहुत बड़ा एक मानव जाति के लिए उसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो WHO ने सिद्ध किया है, उनके वैज्ञानिकों ने, WHO ने हमारे ह्यूमन शरीर में, इंसान के शरीर में 8 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन 8 में से 6 अमीनो एसिड जो है कल्प वृक्ष के अंदर मिलते हैं। ये भी बताया गया है कि कल्प वृक्ष के अंदर जो है संतरे से 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, गाय से दुगना जो है कैल्शियम होता है कल्प वृक्ष में। कल्प वृक्ष की एक एक चीज़ जो है, यानी चाहे छाल हो, पत्ता हो, उसका फल हो, फूल हो, बीज हो, किसी न किसी रूप में औषधि के रूप में उपयोग होता है। यही नहीं, कल्प वृक्ष का जो सबसे बड़ा महत्व है कि ये तुलसी जी के गुण लिए हुए हैं, यानी कि जहाँ पेड़ होगा तो वहाँ पर कीट पतंग नहीं आएंगे, अपने आप देखिएगा वहाँ पर कभी मच्छर कीड़े नहीं आएंगे। इस प्रकार से पर्यावरण की भी ये शुद्धता करता है। और ये भी कहा जाता है कि कल्प वृक्ष जब अपना पूरा हो जाता है, यानी कि अभी तक जो संसार में सबसे पुराना पेड़ मिला है 5000 वर्ष पुराना मिला है, और अभी इंडिया में जो सबसे पुराना कल्प वृक्ष है वो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, जिसकी की कार्बन डेटिंग से मालूम की गई उसकी 3000 वर्ष आयु है। मध्य प्रदेश में भी 2 जगह कल्प वृक्ष है, एक कोलारस में जिसकी उम्र 3000 वर्ष है, और 2 कल्प वृक्ष के पेड़ जो हैं, अभी मैं गया था पिछली बार तो वहाँ मालूम चला और मैं देख के भी आया हूँ, ओरछा के अंदर है। तीसरा पेड़ हमारे करेरा में आने वाला है और हमारी पीढ़ियाँ इसको याद करेंगी, महाराज जी के द्वारा जो लगाया गया है। और बगीचा जो धाम है यहाँ पे श्री हनुमान जी, बाबा हनुमान जी का मंदिर है, तो यही प्रेरणा प्राप्त हुई कि हम यहाँ एक ऐसी चीज़ लगाएं जो करेरा क्षेत्र के वासियों के लिए जो है उनकी एक पहचान बने,
और कल्प वृक्ष का ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे बैठ के यदि ध्यान लगाया जाए, सच्चे मन से किया जाए, तो हमारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। और कल्प वृक्ष जो है, जब भी कभी आपत्ति पड़ेगी, मैं आज बता रहा हूँ, मानव जाति पर इस करेरा में ये कल्प वृक्ष ये जो काम आएगा भविष्य में, इसकी उम्र 10,000-5,000 वर्ष भी पुरानी होती है, इसके अंदर 1,00,000 लीटर पानी तक स्टोरेज होता है। यदि कोई पानी नहीं होगा भविष्य में, तो इसके वृक्ष को पानी निकाल कर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है।